काली कमाई का एक और कुबेर रीवा के त्योंथर में पकड़ा गया। समिति प्रबंधक शुक्रमणि मिश्रा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में त्योंथर इलाके के एक समिति प्रबंधक के घर लोकायुक्त ने छापा मारा, जिसमें करोड़ों की चल अचल संपत्ति स्वयं और परिवार वालों के नाम पर होने की बात सामने आई है। 3 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति उक्त समिति प्रबंधक और उसके परिजनों के पास होने के दस्तावेजी प्रमाण लोकायुक्त पुलिस को सर्चिंग के दौरान मिले हैं। समिति प्रबंधक शुक्रमणि मिश्रा के अमीलिया स्थित आवास में लोकायुक्त की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान लोकायुक्त टीम को मौके पर कैश, सोना, चांदी, मकान, जमीन, एफडी, बीमा पॉलिसी में निवेश के अतिरिक्त वाहनों के जखीरे के साथ साथ बिना लाइसेंस की देसी पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं, जिन्हें लोकायुक्त ने आवश्यक कार्यवाही व प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में ले लिया है। आकलन के मुताबिक समिति प्रबंधक की उजागर चल अचल संपत्ति 3 करोड़ से अधिक की है, जबकि नौकरी और अन्य वैधानिक स्रोतों से प्रभारी समिति प्रबंधक अमीलिया शुक्रमणि मिश्रा की कुल आय 9 से 10 लाख रुपए से अधिक की नहीं है। इससे जाहिर होता है कि उक्त समिति प्रबंधक ने आय से 30 गुना अधिक से काली कमाई की, जिस पर रीवा लोकायुक्त पुलिस ने खुलासा किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।